आज हम आपके लिए लाए हैं खोया पनीर की बहुत ही डिलीशियस सब्जी और साथ में रुमाली रोटी। और हम साथ में बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल रुमाली रोटी जो बहुत ही सॉफ्ट बनती है, वो भी हमने गेहूं के आटे से बनाई है। तो आप एक बार से ट्राई ज़रूर करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम इस रेसिपी को। खोया पनीर बनाने के लिए हमने यहाँ पे 200 ग्राम पनीर लिया है जिसे हमने क्यूब्स में कट कर लिया है। 100 ग्राम हमने यहाँ पे मावा लिया है। अगर आपके पास मावा नहीं है तो आप मावा की जगह 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। कसूरी मेथी ली है, नमक लिया है, कश्मीरी लाल मिर्च ली है, गरम मसाला लिया है, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। यहाँ पे हमने 3 बड़े साइज के टमाटर लिए और हमने टमाटर को बीच ऊपर का टॉप का पोर्शन कट करके इसको दोनों तरफ से कट कर दिया है। थोड़े से हमने यहाँ पे काजू लिए, 3 हमने यहाँ पे लाल मिर्च ली है, 2 हमने मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, थोड़ा सा हमने जीरा लिया है और 4 से 5 लहसुन की कलियाँ ली हैं, 1 हमने यहाँ हरी इलायची ली है, 1 लौंग ली और 4 से 5 हमने काली मिर्च ली है। यहाँ पे कुकिंग ऑयल लिया है। हमने गैस पे एक बर्तन में पानी बॉयल करने के लिए रख दिया था। टमाटर निकाले थे वो हम इस गर्म पानी में डाल देंगे। पानी हमने पहले से गर्म कर लिया है और इसमें कट लगाने से टमाटर का छिलका आसानी से उतर जाएगा। 3 टमाटर हम इसमें डाल दे रहे हैं। हमने अनियन को भी 2 टुकड़ों में कट कर लिए, वो इसमें डाल दे रहे हैं। और जो 3 हम लोगों ने लाल मिर्च ली थी वो भी हम इसमें डाल दे रहे हैं। थोड़ा सा हम इसमें अदरक का टुकड़ा भी डाल दे रहे हैं। और जो हमने 4 से 5 काजू लिए थे वो भी हम इसी में डाल दे रहे हैं। अब हम इनको 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से बॉयल करेंगे। हमने यहाँ पे गैस का फ्लेम फुल रखा है। अगर आप पैकेट वाला पनीर यूज़ कर रहे हैं तो इस पनीर को यूज़ करने से पहले आप 10 से 15 मिनट के लिए गर्म पानी में इसको डाल दीजिए, उसके बाद इसके पीसेस कट कर लीजिए तो पनीर अंदर से बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे टमाटर और प्याज अच्छे से बॉयल हो गए तो हम गैस को बंद कर दे रहे हैं। और हमने यहाँ पे एक बर्तन में थोड़ा सा ठंडा पानी लिया, हम इसमें जो टमाटर पक गए हैं ना, जो बॉयल हो गए टमाटर, वो हम इसमें निकाल ले रहे हैं। ठंडे पानी में डालने से इसका छिलका आसानी से निकल आएगा। प्याज को हम एक प्लेट में निकाल ले रहे हैं। अब यहाँ पे टमाटर अच्छे से ठंडे हो गए तो हम इनको छिलका निकाल ले रहे हैं। इसमें कट लगा दी तो इससे आसानी से इसका छिलका निकल आ रहा है। इसका छिलका देखो कितनी आसानी से निकल आ रहा है, हमने पहले से कट लगा दिया था इसे। और टमाटर का को ऐसा करके ग्रेवी बनाने से ग्रेवी बहुत ही रिच बनती है। यहाँ पे हमने एक जार लिया और हम जार में इसमें बॉईल, जो हमने प्याज को बॉईल किया था वो हम इसमें डाल दे रहे हैं। और हम इसमें अदरक भी डाल दे रहे हैं। इसमें अदरक थोड़ा पीसेस में कट करके डाल दे रहे हैं तो ये अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। हम इसको ढक्कन से कवर करके मिक्सी में चला ले रहे हैं। अब ये पिस के तैयार हो गया तो हम इसको एक बोल में निकाल ले रहे हैं। अब इसी जार में हम इसे मिर्ची और काजू भी डाल दे रहे हैं और जो टमाटर हमने बॉईल करके रखे थे वो भी हम इसी में डाल दे रहे हैं कट करके। हमने इस जार में सारे टमाटर को कट करके डाल दिया है। ढक्कन लगा के इसको भी पीस ले रहे हैं। हमारे टमाटर का पेस्ट भी तैयार हो गया बनके, हम इसको भी अभी बोल में निकाल ले रहे हैं। सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पे गैस ऑन करके एक स्टी पैन रखा है। इसमें हमने 2 बड़ा चम्मच ऑयल डाला है। अब ऑयल अच्छे से गर्म हो गया तो हम इसमें जीरा डाल दे रहे हैं, काली मिर्च, इलायची और लौंग डाल दे रहे हैं। हमें 1 टुकड़ा दालचीनी का डाल दे रहे हैं। अभी इस मसाले अच्छे से भुन गए हैं तो हमने जो प्याज का पेस्ट बना के रखा था वो हम इसमें डाल दे रहे हैं। अब हम प्याज को हल्का सा भून ले रहे हैं, इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। प्याज को हमने पहले ही पानी में बॉयल कर लिया था इसलिए इसे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, तो फिर प्याज जल जाएगा। अब हम इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। हम इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। ये प्याज को हमने पहले से बॉयल कर लिया था तो ये तो बहुत ज़्यादा देर तक भूनना नहीं। थोड़ा सा इसमें हम नमक भी डाल दे रहे हैं। सब्जी में नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। अभी अच्छे से भुन गया तो हम इसमें 1 चम्मच गार्लिक का पेस्ट डाल ले। इसको आप स्किप भी कर सकते हो अगर आपको ये पसंद नहीं है तो। प्याज अच्छे से भुन गया है तो हम इसमें ये टमाटर का पेस्ट जो हमने पीस के रखा था वो उसमें मिला दे रहे हैं और इसको भी मिलाते हुए अच्छे से चला लेंगे। अब हमें सबको 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे चलाते हुए। हमें इसको चलाते हुए लगभग 2 मिनट हो गए तो हम इसमें मावा डाल दे रहे हैं। जो मावा लिया था यहाँ पे 100 ग्राम, वो हम इसमें डाल दे रहे हैं।
अगर आपके पास यहाँ पे मावा नहीं है तो आप मावा की जगह 2 बड़ा चम्मच इसमें मिल्क पाउडर भी डाल देंगे, तो मिल्क पाउडर से भी इसमें वैसा ही स्वाद आएगा जैसे हम लोग मावा डालते हैं। तो मावा को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमने यहाँ पे मावा को ग्रेवी में डाल के चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 1/2 कप दूध डाल दे रहे हैं, इससे इस सब्जी का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। दूध मिलाने के बाद भी हमें इसे 5 से 7 मिनट तक ही पकाना है, क्योंकि टमाटर और प्याज हमने पहले से पका लिए थे, तो इसे बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम 1/4 कप पानी भी डाल रहे हैं, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है इसमें। आप ग्रेवी अपने अनुसार थिक, आप खाने में जैसी ग्रेवी पसंद करते हैं, अगर आपको थिक पसंद है तो आप थोड़ा सा पानी कम डालिए, और आपको अगर थोड़ा सा पतली ग्रेवी पसंद है तो आप पानी अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते, पर इसकी ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी अच्छी लगती है। इस सब्जी को पकाते हुए लगभग यहाँ पे 5 से 7 मिनट हो गए हैं, तो हम इसमें ये जो हमने पनीर कट करके रखा था वो हम इसमें मिला दे रहे हैं। थोड़ी सी जो कसूरी मेथी निकाली थी वो भी हम इसमें डाल दे रहे हैं। कसूरी मेथी को हमें थोड़ा सा रब ऐसे क्रश करके डालना है हाथ से। अब हम इन सबको अच्छे से मिला लेंगे और इसे 2 मिनट तक पका लेंगे। पनीर डालने के बाद हमें सब्जी को बहुत ज्यादा देर तक नहीं पकाना, नहीं तो फिर पनीर टाइट हो जाएगा। तो लीजिए फ्रेंड, ये मेरी सब्जी बनके रेडी हो गई है। तो हम यहाँ पे अब गैस को ऑफ कर दे रहे हैं। माली रोटी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 कप गेहूं का आटा लिया है। आप आटे की जगह मैदा ले सकते हैं, या फिर आप 1 कप आटा और 1 कप मैदा ले सकते हैं। हमने यहाँ पे 2 कप गेहूं का आटा लिया है, और यहाँ पे हमने 1 कप दूध लिया है, 2 बड़ा चम्मच घी लिया, घी की जगह आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, 1/2 छोटी चम्मच हमने यहाँ पे नमक लिया, और थोड़ा 1/2 छोटी चम्मच हमने यहाँ पे शुगर लिया, शुगर की जगह आप शुगर पाउडर भी डाल सकते हैं, या फिर इसकी जगह आप 1 चम्मच शहद भी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम आटे में शुगर को मिला लेंगे, हम इसमें नमक डाल देंगे, और अब हम इस आटे में घी डाल देंगे। अब हम इन सब चीजों को अच्छे से मिला लेंगे, और हमें रुमाली रोटी का आटा एकदम सॉफ्ट लगाना, जैसे हम लोग घर में डेली आटा लगाते हैं पराठा और रोटी के लिए, उसे थोड़ा सा सॉफ्ट लगाना है। हमने इसमें सारी ड्राई चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया। हम इसमें दूध डालते हुए धीरे धीरे माड़ेंगे। हमने यहाँ पे दूध रूम टेम्परेचर पे लिया है, और हमें इसमें एक साथ दूध नहीं डालना, हमें धीरे धीरे करके इसमें दूध डालना है। अगर आप एक साथ डाल देंगे तो ये इसका डो गीला हो जाएगा। आप यहाँ चाहें तो आप पानी से भी आटा लगा सकते हैं, पर आप दूध से अगर आटा गूंदेंगे तो ये रोटियाँ ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगी। यहाँ पे थोड़ा दूध कम पड़ रहा था, तो हमने 1/2 कप दूध और लिया है। आटा बनके रेडी हो गया, तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा के इसको अच्छे से चिकना कर लेंगे। थोड़ा सा हमने इसमें एक लगभग 1/2 चम्मच घी डाला है, और हम इसको पूरे आटे में लगा के इसको चिकना कर लेंगे अच्छे से। देखिए आटा ये कितना सॉफ्ट है, हम आटे को मसल मसल के अच्छे से चिकना कर लेंगे। यहाँ पे हमने पूरे आटे को अच्छे से घी लगा के चिकना कर लिया है। अब ये मेरा आटा बनके रेडी हो गया। हम इस आटे को गीले कपड़े से ढक के 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख दे रहे हैं, और हमने इस आटे गूंदने में 1.5 कप दूध का यूज किया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आटे को सेट होते लगभग 10 मिनट हो गए, तो हम इसको कपड़े को हटाकर इसको एक बार थोड़े फिर से चिकना कर लेंगे, और ये बिल्कुल हल्का हो गया है। अब ये रोटी बनाने के लिए तैयार हो। हमने यहाँ पे एक, अगर आप गेहूं के आटे से रुमाली रोटी बना रहे हो और आप सोच रहे अगर ये व्हाइट बने, तो आप मैदे से इसका जो हम लोग सूखा आटा लगाते हैं ना बेलते टाइम, वो आप मैदा लगाइए आटे की जगह, तो आपकी रोटी भी व्हाइट बनेगी। रोटी बनाने के लिए हमने यहाँ पे गैस ऑन करके एक बड़े साइज का तवा गर्म होने के लिए रख दिया है। हमने यहाँ पे बड़े साइज का चकला लिया। अगर आप बड़े साइज का चकला नहीं, तो इसकी जगह आप बड़े साइज के चॉपिंग बोर्ड पे भी भेज सकते हैं, या फिर डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे भी भेज सकते हैं। हम रोटी बनाने के लिए आटे से छोटा एक नींबू के आकार का भाग निकालेंगे, और इसे छोटी छोटी सी इसकी बॉल्स बना लेंगे। हम आटे को साइड में रख देंगे। हमने जो बॉल्स बनाई इसे मैदे से अच्छे से कोट कर लेंगे, और फिर इसको हम चपटा करके रोटी बेलेंगे। हमें रोटी को बिल्कुल पतला बेलना, और हमें इसे साइड से घुमाते हुए चारों तरफ बिल्कुल बराबर बेलना है। अब हम रोटी के ऊपर थोड़ी सी मैदा फिर से लगा के बेल लेंगे, और फिर हम रोटी बेल लेंगे। अब इसे रोटी को चारों तरफ बराबर बेलें, नहीं तो कहीं से ये पतली रह जाएगी, कहीं से मोटी रह जाएगी। फ्रेंड्स, लीजिए मेरी रुमाली रोटी बनके रेडी हो गई। रुमाली रोटी बेलने के बाद जो रोटी पर एक्स्ट्रा मैदा लग जाती है, उसे हम एक हाथ से दूसरे हाथ पे रख के मैदे को हटा देंगे, निकल जाएगी, और इसको इतना पतला रखना है कि जो अंदर वाली फिंगर है वो दिखने लगे। इसी तरह हम सारी रोटियां बना के तैयार कर लेंगे। हमने रोटी बनाने के लिए यहाँ पे गैस पे एक तवा रखा, और उसको पहले से ही हमने गर्म कर लिया, और हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा दे रहे हैं, जिससे रोटी चिपकेगी नहीं और निकालने में हमें आसानी होगी। और हम इस तवे पे इस रोटी को डाल देंगे।
और हमें यहाँ पे गैस का फ्लेम फुल रखना है। जैसे ही ये एक तरफ से बिल्कुल हल्की सिक जाए वैसे ही हमें इसे पलट देना है। अब ये हल्की सिक गई तो हमने दूसरी तरफ भी इसको पलट दिया। आप यहाँ पे चिमटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऊपरी सतह पे अभी तो हल्का सा हमने घी लगा दिया। यहाँ पे आपको घी पसंद नहीं तो आप इसे ऐसे भी सेक सकते हैं। दूसरी तरफ भी हमें इसे फटाफट से बहुत देर तक नहीं सेकना। अगर आप इसे ज्यादा देर तक सेकेंगे तो ये फिर टाइट हो जाएगी। हमें इसे ऐसे घुमा के अच्छी तरह से सेक लेना है। जी मेरी रोटी दोनों तरफ से अच्छे से सेक गई तो हम इसको निकाल ले रहे हैं। इसको ऐसे पलट के फोल्ड कर ले रहे हैं और हम रोटी को ऐसे ही प्लेट में रख ले रहे हैं। आप रोटी को एक बना के उसके बाद एक बॉक्स में रखें, नहीं तो ये ऊपर से सूख जाएंगी। अगर तुरंत खाना है तो आप फटाफट सर्व कर सकते हैं। इसलिए दूसरी रोटी भी बना के तैयार कर लेंगे। छोटी सी बॉल लेके इसको फिर से बर्तन से कोट किया, सूखे आटे से कोट करके इसको चारों तरफ एक जैसा बेलेंगे। जैसे हम लोग नॉर्मल रोटी बेलते हैं इसको वैसे ही बेलना, बस इसको थोड़ा सा पतला बेलना है। तो फ्रेंड्स ये मेरी ये वाली रोटी भी रेडी होगी। तो हम इसको भी तवे पे डाल दें। इसमें थोड़ा सा हमने घी लगा दिया जिससे आसानी से निकल रहा है। आप यहाँ पर लोहे का तवा या कोई भी तवा आप इस पर यूज कर सकते हैं, बस साइज में थोड़ा वो बड़ा होना चाहिए। इसको फिर से सुखा देंगे। गैस का फ्लेम यहाँ पे फुल रखना, अगर स्लो पे सेकेंगे तो रोटी टाइट हो जाए। और हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है। अब ये एक तरफ से सेक गई तो इसको दूसरी तरफ से पलट के सेक दे रहे हैं। यहाँ पे आप हल्का सा रूमाल रख के भी इसको सेक सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है। हम इसको चारों तरफ से सेक लेंगे फिर से पलट के। फ्रेंड्स ये रोटी बनके रेडी हो गई मेरी, तो हम इसको फोल्ड कर ले रहे हैं। इसको भी हम एक प्लेट में इसी तरह मैं सारी रोटियां बना के रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे टेस्टी टेस्टी खोया पनीर और रुमाली रोटी बनके रेडी हो गई है। तो हम खोया पनीर को एक सर्विंग प्लेट में सर्व कर ले रहे हैं। हमने यहाँ पे गर्मा गर्म रुमाली रोटियों को भी एक प्लेट में सर्व कर लिया है। हमने यहाँ पे खोया पनीर को रुमाली रोटी के साथ सर्व किया। आप इसकी जगह चावल या फिर सादा पराठा या फिर सादा रोटी के साथ ही सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स मेरी खोया पनीर की सब्जी और रुमाली रोटी बनके रेडी हो गई है। देखने में बहुत ही डिलीशियस लग रही है और इसका व्हाइटनेस देखिए कितनी व्हाइट लग रही है, जबकि मैंने ये गेहूं के आटे से बनाई फिर भी ये व्हाइट है। और तोड़ के दिखा रहे कितनी सॉफ्ट है, कितनी सॉफ्ट है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।